मुस्कुराहट ही नहीं है। एक छोटा सा प्रोसेस करें, करेंगे सर? हाँ ना, पहले तो जो आम चेयर पे जो हाथ रखे वहां से हटा दो, एकदम यंग लोग के जैसे बैठे, सब यंग है, यूथ है यहाँ, है ना? हाथ को खोल दे, हाथ को खोल दे सब, ऐसा ना, हम सब यहाँ एक है। जितना भी अपना औधा है, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बाहर हम लोग यहाँ एक इंसान है, ठीक है ना? आराम से बैठे, एक गेम खेलते हैं, खेलेंगे सर? यस नो? ओके। गेम ये है कि एक ट्रिक है इस गेम में, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेवकूफ बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों का चैलेंज है बेवकूफ नहीं बनना। एक्सेप्टेड? यस नो? चैलेंज एक्सेप्ट करते सर? हाँ ना? आवाज ही नहीं आ रही, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं है? यस नो? ओके। देखो वो क्या है, जब मैं बोलूंगा क्लैप, ताली मारना, क्लैप जब बोलूंगा तब सब क्लैप करेंगे, एंड जब बोलूंगा स्टॉप देन स्टॉप, सिंपल, ठीक है? हाँ ना? जब क्लैप बोलूंगा तब क्लैप मारना है, जब स्टॉप बोला तब स्टॉप, ठीक है? तो आप जिन्होंने ऐसा हाथ किया खोल के बैठ जाए, ताली मारने के लिए हाथ खोलना पड़ेगा, ठीक है? स्टार्ट करें, 1 2 3 गो 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 तो जब बोलूंगा क्लैप तो क्लैप, जब बोलूंगा स्टॉप तो स्टॉप, क्लियर? क्लियर है? क्लैप से क्लैप, स्टॉप से स्टॉप, 5 बार मैं क्लैप बोल चुका हूं, लेकिन 6वीं बार क्लैप बोल रहा हूं, 7वीं बार क्लैप बोल रहा हूं, क्लैप बोल रहा हूं, स्टॉप क्लैप, स्टॉप क्लैप, स्टॉप क्लैप, स्टॉप क्लैप, देखो देखो मन कहां है? देखो पहले बार जब करवा रहा था तो मन कहां था? मेरे शब्दों में, हाँ कि ना, राइट? सेकेंड टाइम करवा रहा था, कहां था मन? मेरे एक्शन में। देखो एक अकेला इंसान अगर यह 70 लोगों का मन को कंट्रोल कर सक रहा है, कि आप अपना खुद का मन कंट्रोल नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अगर जानो कैसे करना है। हमारे हाथ में 10 उंगलियां हैं, लेकिन क्या हम गिटार बजा सकते हैं? गिटार बजाने के लिए उसको सीखना पड़ेगा। उसी तरह से मन है, तो मन को अपने वश में करने के लिए सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही सिंगाड़ा जैसे घूमते हो, वर्तमान में आई नहीं और फिर जीवन जीने की कलाएं भूल गए, और ऐसे एक समय आ जाता है खुशी नहीं रह पाते। ये आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स होता है हमारा, इस कोर्स को जरूर करें, जीवन बदल जाएगा। जीवन अभी बहुत अच्छा है, इससे बेहतर हो सकता है, जरूर एक बार करें इसको ना? मैं तो मेरा जीवन तो बदल गया, 10 साल से मैं आर्ट ऑफ लिविंग में हूं, कभी सोचा नहीं था इस पद पर आऊंगा, और आके आज लोगों के चेहरे पर खुशी आती है, बस इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। आप कितना भी पैसा क्यों ना कमा लो, कितना कुछ ना कर लो, अगर आप खुद के अंदर में खुश नहीं हो, किसी काम का है क्या वो पैसा? अच्छा सपोज अगर आपको एक बंगला दिया गया, गाड़ी दी गई, बीवी बच्चे सब दिया गया, और एक तरह में सांस दी गई, सांस, कौन सा चुनोगे आप? कौन सा जो से कौन सा? सपोज आप 7 दिन के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, 7 दिन के लिए आपने एक बहुत बढ़िया सा एक जूता खरीदा, सपोज नाइकी का शूज खरीदा, बहुत अच्छा और कॉस्टली, जाने से पहले वो जूता बाहर लेकर नहीं आ सकते, गंदा हो सकता है, तो दोस्त के पास गए, बोले मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, ये जूता मैं तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ, अलाउ करेगा? कर लेगा, हाँ ठीक है, साइड में, हाँ कि ना? लेकिन अगर आप उसके पास बोले
कि एक हफ्ते के लिए मैं अपना शरीर रखना चाहता हूं तुम्हारे घर में माइनस दी ब्रेथ, सांस छोड़ के रखेगा क्या? रखेगा? जूते की वैल्यू देखो हमारी सांस से ज्यादा है, यस नो? क्योंकि हमें अपनी सांस की कदर नहीं है। पहला चीज जो हमने किया जब इस दुनिया में आए, एक सांस। आखिरी चीज करेंगे क्या? सांस छोड़ के जाएंगे, शरीर यहां छुट जाएगा। सबसे मूल्यवान चीज अगर हमारे पास में है, सांस ही तो है। सांस नहीं तो कुछ नहीं, इसको मूल्य दे, इसका मूल जाने। देखो जब अगर कभी अगर आपको गुस्सा आता है, सांस कैसे होती है? तेज चलती है सांस, बॉडी हीटअप होता, बॉडी गर्म होता, हाँ कि ना? सपोज अगर डरते हैं, कोई चीज को डर गया तो क्या होता है? सांस कटती है कि नहीं? एंड शरीर ठंडा भी होता है। लेकिन अगर आप बहुत खुश है, एकदम अपने रिलैक्स है, खुश है, एकदम हर चीज आपकी लय है, सांस की गति देखो कैसे स्मूथ होती है, बदन शांत रहता है। तो सांस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं अगर हमारे सांस और शरीर को कंट्रोल कर सकती हैं, तो हमारा सांस हमारे शरीर हमारी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है ना? तो कभी भी अगर मौका मिले यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने का ना, कोर्स शैलेश जी हैं, डॉक्टर श्रीवास्तव हैं यहाँ पे, इन दोनों से मिले, बोल के कोर्स ऑर्गेनाइज कर रहा है यहाँ पर। सिर्फ 3 दिन का कोर्स होता है, 6 या 3 दिन का, जीवन से ही बदल जाएगा। सुदर्शन क्रिया जरूर सीखें, सुदर्शन क्रिया का लाभ जरूर लें। अगर नहीं सुदर्शन क्रिया ली है, यू आर रियली मिसिंग समथिंग। एक बार जरूर करें उसको। दुनिया में हर कुछ किया, सुदर्शन क्रिया जरूर करें। कुछ भी करें ना करें, सुदर्शन क्रिया तो कर ही नहीं पा, जीवन बदल जाएगा, ठीक है ना? अभी हम लोग सत्संग के कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? एकांत भजन करेंगे, समय काफी हो गया है, हमें भी दोस्त जाना है। लेकिन मेरी बात जरूर याद रखिएगा, एक बार सुदर्शन क्रिया जरूर से अनुभव, जरूर से। देखो यहां पर जैसे शैलेश जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर श्रीवास्तव हैं, इन लोगों ने सुदर्शन क्रिया का अनुभव किया है, पता है क्या मूल्य है। इन्होंने इतना एफर्ट लेके पूरा ऑर्गेनाइज किया आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये जो मस्ती है, ये जो आनंद है, ये सब तक पहुंचे, है ना? तो कुछ विश्वास करके अगर करें तो जीवन सही में बदल जाएगा। सुदर्शन क्रिया बस एक ब्रीदिंग टेक्निक है, किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न से हम लोग सांस लेते हैं। देखो हम लोग सुबह सब नहाते हैं, यस नो? सब नहा के आते हैं ना? सपोज अगर 2 दिन हम ना नहाए तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा 2 दिन ना नहाए तो? 1 हफ्ता ना नहाए तो? अरे बाप! 1 महीना ना नहाए तो? डॉक्टर साहब है मेरे तो, है ना? 1 हफ्ता ना, महीना ना नहाए तो हॉस्पिटल भर्ती हो जाएंगे। देखो हम लोग नहा के अपने बाहर के शरीर को तो साफ कर ले रहे हैं, कभी सोचा है अंदर के शरीर को सफाई कैसे करना है? कभी कर ही नहीं पाते अंदर की सफाई। यही कारण है कि प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में होता है, अस्थमा, कैंसर, हार्ट ब्लॉकेज। दुनिया शरीर है तो प्रॉब्लम है ही, क्योंकि अंदर की सफाई नहीं कर, बाहर तो साफ कर लिया, नहा लिया, डीओ लगा लिया, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, अंदर में जो गंदगी जमा है वो साफ नहीं होती। वो सुदर्शन क्रिया एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा पैटर्न है, ब्रीदिंग पैटर्न, कि सांस के माध्यम से हम अपने अंदर की सफाई कर सकते हैं। अंदर में जो गंदगी जमा है सांस के माध्यम से वो निकाल पाते हैं। ये छोटा सा बताया सुदर्शन क्रिया का मैंने, आई थिंक दिस इज इनफ, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कभी भी कहीं मौका मिले या ऑर्गेनाइज करवाना चाहे जरूर करवाएं, एंड मस्ट डू दिस कोर्स, जीवन सही में बदल जाएगा, ठीक है ना?